केसर की खेती की एक गल की जाए तो अक्सर ही जिक्र कश्मीर अते हिमाचल के ठंडे वादिया का होंदा है, मगर इसनों हुण लुधियाना विच भी संभव कर दिखाया है। दो नौजवान ने उन्होंने गलबात कर लेंदे किस तकनीक नाल ओह केसर की खेती कर रहे हैं अते उन्होंने इस तकनीक नूं कित्थे सिख्या। की नाम उन्हां? मेरा नाम आस्तिका नरूला है और हमने ये जो केसर की फार्मिंग स्टार्ट करी है यहाँ पंजाब लुधियाना में स्टार्ट करी है। इसको हमने हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स की टेक्निक के मिक्सचर से हमने यहाँ पे ग्रो किया है। तो इस तकनीक को आपने कहीं से सीखा है या कहीं से जानकारी हासिल नहीं, कैसे किया ये? ये टेक्निक जो है ये हमने इसकी ट्रेनिंग जो है वो चंडीगढ़ और ईरान से ली है। वहाँ से हमने इसकी डिटेल ट्रेनिंग ली, वहाँ पे हमको सारा इसके बारे में नॉलेज दी गई, सिखाया गया कि इसको कैसा टेम्परेचर चाहिए, क्या इसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसी ह्यूमिडिटी चाहिए, वो सारा हमने इसको सीखा और यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके हमने सक्सेसफुली लुधियाना में केसर ग्रो किया है। ये करने का मकसद क्या था? बिल्कुल, ये करने का मकसद सर बेसिकली ये था, जैसे कि हमको पता है कि कश्मीर में बेसिकली सिर्फ इंडिया में कश्मीर में सैफरन ग्रो होता है और डे बाय डे क्लाइमेट चेंज की वजह से वहाँ का भी जो एनवायरनमेंट है वो बहुत वार्म हो गया है, तो वहाँ का जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा गिर गया है। हमारा इंडिया का जो यूजुअली प्रोडक्शन होता है एज़ कम्पेयर टू पहले, अभी बहुत ज़्यादा गिर गया है। हम ये चाहते हैं कि इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा जो सैफरन है वो प्रोड्यूस करे, इसलिए हमने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम ये जो सैफरन है वो कहीं और पे ट्राई करें, इसलिए हमने यहाँ पे ट्राई किया और हमने बहुत सक्सेसफुली जो है कश्मीरी सैफरन यहाँ लुधियाना में ग्रो किया है। अगर बात करें ये तकनीक कौन सी है और कश्मीर के जो केसर है उसके मुताबिक इसमें जो उत्पादन के बाद क्वालिटी क्या रहेगी और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है खेती के लिए? बिल्कुल सर, जो इसकी क्वालिटी है वो बिल्कुल कश्मीरी सैफरन वाली है। इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये जो सीड्स हैं ये बिल्कुल कश्मीरी सीड्स ही हैं। सिंस हमने ये जो सारे सीड्स हैं कश्मीर से ही लाए हैं, इसलिए जो इनकी मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं, जो बेनिफिट्स हैं, इसकी जो सारी क्वालिटी है वो बिल्कुल कश्मीरी सैफरन वाली ही है। इस बात से आप बिल्कुल निश्चित रहिए। तो इसको स्टार्टअप को करने में कितना समय लगा है, लागत कितनी आई है? बिल्कुल, स्टार्टअप सर हमने इसको प्लान आउट किया था अप्रॉक्सीमेटली 5-6 मंथ्स अगो। उसके बाद हमने इसकी ट्रेनिंग ली अलग अलग जगहों से, जैसे कि मैंने आपको बताया हमने इसकी ट्रेनिंग चंडीगढ़ और ईरान से ली, हमने इसकी ट्रेनिंग ली, हमने इसको सारा समझा, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया, उसको करने में तकरीबन हमको 5-6 महीने लग गए। उसके बाद हमने इसको अगस्त में प्लांट किया, अगस्त में प्लांट करने के बाद अभी हम नवंबर की बिगिनिंग में है या अक्टूबर एंड, जैसे कि आप कह लीजिए, अप्रॉक्सीमेटली 2.5-3 मंथ्स में हमको इसका हार्वेस्ट मिला है। तो इस पर लागत कितनी आई है? अगर बात करें इस समय भारत में बेरोजगारी बहुत है, तो क्या जो नौजवान है इसको रोजगार के तौर पर ले सकते हैं? बिल्कुल सर, नौजवान इसको रोजगार के तौर पर ज़रूर ले सकते हैं। जैसे कि आपको पता है पंजाब के बहुत सारे यूथ हैं वो एजुकेशनल लोन लेके बाहर जाते हैं, तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप एजुकेशनल लोन लेना अफोर्ड कर सकते हैं तो क्यों ना आप वो लोन लेके यहाँ पंजाब में इन्वेस्ट करिए। बहुत ही अच्छे आपको उसके जो रिटर्न्स हैं वो मिलेंगे, क्योंकि इससे हमारा ना तो ना सिर्फ पंजाब ग्रो होगा, हमारा इंडिया भी ग्रो होगा। तो इसमें आपका फ्यूचर कैसे प्लान है आगे? बिल्कुल सर, हम चाहते हैं कि जो लुधियाना, बेसिकली मैं लुधियाना से बिलोंग करती हूँ, हमारा जो प्लांट है वो लुधियाना में है, हम चाहते हैं कि यहाँ पे लोग आएं, वो एक्सपीरियंस करें कि असली सैफरन क्या होता है, वो खुद से आके फ्लावर्स से सैफरन प्लक करें। हमारा जो इंस्टाग्राम है आप हमें वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, grow_grower के नाम से हमारा इंस्टाग्राम है। जो हमारा लिमिटेड पीरियड ये ऑफ़र है, हम पब्लिक के लिए अपना फार्म ओपन रख रहे हैं। इन केस जो पब्लिक आती है वो हम उनको सैफरन प्रोवाइड करेंगे, उसके अलावा जो हमारे पास सैफरन होगा हम वो चाहते हैं कि हम वो एक्सपोर्ट करें, ताकि वो इंडिया को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट करे। केसर की खेती के लिए जो कश्मीर में वातावरण डिफरेंट है, यहाँ पर डिफरेंट है, तो उसको कैसे मैनेज कर रहा है और किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है? बिल्कुल सर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने जो ट्रेनिंग ली थी उसमें हमको यही सब सिखाया गया था, जो कश्मीर में जो सैफरन होता है वो सैफरन को क्या टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, क्या उनको ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, क्या उस जो सॉइल होती है उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या चाहिए होती है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट होता है, वो सारा हमको मेजर करना सिखाया गया, वो कैसे वेरी करता है, हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारा हमने कंट्रोल करके उसको बिल्कुल सेम हमने एनवायरनमेंट को यहाँ पे क्रिएट किया और हमने सक्सेसफुली पंजाब में ग्रो किया है सैफरन। सो नौजवान भी मौजूद ने, इन्हों की नाम है सर? शंकर नरूला नाम है जी मेरा। सर किमें दिमाग च आया सी प्रोजेक्ट, कितों ट्रेनिंग ली, की कुछ होया इस दौरान? सर मेरे फादर का आइडिया सी है कि इत्थे भी कुछ किया जाए, उन्हां दा खेतीबाड़ी दे वैसे काफ़ी ज़्यादा रुचि है, तो उन्होंने आइडिया दिता सानू दोनों भरा भैनों,
तो असी उन्हें उत्ते जो रिसर्च की चंडीगढ़ तो ट्रेनिंग लीती ईरान तो ट्रेनिंग लीती तो पता चलिया कि कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसैस तो नहीं हैगा, जे हिम्मत की जाए मेहनत की जाए तो कुछ भी पॉसीबल है। तो फिर असी सोचा ठान ही लीती जो करना ही है तो फिर असी करके दिखा ही दिता बिल्कुल। किन्ने के जगह दे तुसीं स्टार्टअप किया की कुछ लग्या थे? सर जो एरिया साडा हैगा असी रूम जिहड़ा हॉल तैयार किया वह 13.5x45 फुट है। तो उनके प्रैपरेशन करन सानू जिवें मेरी भैन ने दस्या कि 3 to 4 महीने घट्टो घट लग सकते हैं, इस तो वध ही लग जाता है क्योंकि चीज़ां डिले हो जांदियां ने। असी पहले उन्होंने इंसुलेशन प्रोवाइड की कि ठंडक बाहर ना जाए, नाल असी कार्बन डाइऑक्साइड कढ़न का इंस्ट्रूमेंट नाल लाया कि कार्बन डाइऑक्साइड नाल नाल बाहर जाती रहे ताकि पौधे नूं ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ना मिले। तो जिहड़ी ह्यूमिडिटी मेनटेन करनी है क्योंकि इन्हें एरोपोनिक्स ते हाइड्रोपोनिक्स की टैक्नीक नूं मिक्स किया गया सी, ते उन्हों हवा तो ही नमी लैके उन्हें ग्रोथ लैनी है पौधे ने, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना पैंदा है। किन्ने के टैंपरेचर दी इन्हें लोड होती है ते किस तरीके नाल ख्याल रखते हो? सर टैंपरेचर रोज़ का अलग है, इनका जिवें सवेरे अलग है, शामी अलग है, तो राती अलग है, तो हफ्त्यां का भी फर्क पैंदा है। जिवें आपां जदों लाया सी अगस्त दे विच तां अलग वातावरण अलग टैंपरेचर इहनूं दित्ता गया, तो अज दी तरीक दे विच बिल्कुल ओपोजिट है, तो आने वाले महीनां च बिल्कुल अलग हो जाएगा। उहनूं मैजर करन लई असीं घंटे का मीटर लाया है कि घंटे बाद असीं देख लैना है किन्ना टैंपरेचर है, घट वध है तां उहनूं सैट कर लैना है। तो उस तो बाद एवं ही साडा ह्यूमिडिटी का मैजरमेंट का यूनिट हैगा थर्मामीटर हैगा, उनके उत्ते जे 60% है तो 70 तो वध नहीं होनी चाहिए, उस चीज़ का ध्यान रखना पैंदा घंटे का घंटे दर घंटे भी तो हफ्ते का भी। तो लागत किन्नी आई है? तो जो नौजवान ज विदेश में जा रहे हैं जा नशे च पै गए हैं उन्होंने की कहना चाहोगे? सर लागत साडियां दे उत्ते 50 to 55 lakh के आस पास आई है, जिंदे विच असी सारा सारा बीज कश्मीर तो लैके आए सी। तकरीबन 50,000 तो वध साडे कोल इहो जिहा बीज है 50,000 क्वांटिटीज जिहड़ा इस साल सानू फसल दे देगा। तकरीबन 18 quintal असी बीज लिता सी कश्मीर तो इस साल। तो उदू बाद जिहड़ा तुहाडा सवाल सी कि नौजवानों लई की संदेश है, वह यही है कि नशा दे विच कुछ रह नहीं गया, तो बाहर जाना भी मतलब कोई सेंस बंदी नहीं है बाहर जाके भी, जो उत्थे भी जाके असी मेहनत करनी है तो फिर क्यों आपके देश दे विच क्यों ना की जाए। तो जे मेहनत की गल आती है तो मेहनत तो हर चीज़ के विच ही चाहिए है, इत्थे भी कर लोगे तो भी फायदा, उत्थे भी करोगे तो फिर मर्जी आपकी रहती है जी। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करके तुसी किन्ना कमा लोगे या जिहड़े होर तुहानू देख रहे हो किन्ना कमा सकते हैं? जी डिपेंड करता है, जिवें साडी जिहड़ी इस साल की खेती हैगी है साडा टारगेट कुछ होर है, जिहड़ा बंदा देश दे विच वेचना चाहे तो उनकी अज की जे वैल्यू आप काउंट करिए प्योर केसर की वैल्यू जी असी वेच रहे हैं वह 1 gram 800 rupees का है, लेकिन साडा टारगेट है बाहरले देशों के क्योंकि असी एक्सपोर्ट करना ज़्यादा प्रैफर करांगे। पहली गल यह है कि उन्हें जिम्मे मेरी सिस्टर ने दसिया कि फॉरन एक्सचेंज रेट का भी काफ़ी ज़्यादा फर्क पैंदा है। दूजी गल जी मेडिसिनल वैल्यू है वह बाहरले कंट्रीज़ के भी उन्नी ज़्यादा लोड हैगी है, तो उधर देना साढ़े लिए भी फायदेमंद है। राइट नाउ असी जिहड़ा स्कीम कढ़ी है जिवें मेरी सिस्टर ने तुहानूं दस्सिया कि असी चाहने लोग आन, तो इत्थे असी तकरीबन वध तो वध 1/2 kilo सैफरन इत्थे प्रोवाइड कर सकते हैं पर 1 gram to 5 gram की पैकेजिंग दे विच, ते बाकी असी एक्सपोर्ट का ही सोच रहे जिंदे विच साडा ऑर्डर ऑलरेडी सानू आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया तो आ रहे हैं, दुबई तो आ रहे हैं, कैनेडा तो आ रहे हैं, ये साडा टारगेट है जी। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने तो पहले तुसी किसे नौकरी करते सी जां किसे होर कारोबार दे विच? नहीं जी मैं कोई नौकरी हद तक की नहीं, मेरे फादर पसंद नहीं करते कि मैं नौकरी करा, वो कहते हैं आपका बिजनेस खोलो आप मेहनत करो तो सक्सैसफुल हो जाओ। नौकरी का मेरा विचार बनया सी लेकिन मेरे फादर कहते कि मर्जी तेरी है जिमें तेन ठीक लगे उमें कर लो, तो मैं भी पापा की गल मनते हुए उन्होंने सलाह जो लीती वो कहें कि नौकरी दे विच भी किसी के अंडर काम करना है, बिजनेस करके आपके अंडर लोग काम करता है, आप इंप्लॉयमेंट दे सकते हैं तो क्यों ना उही तरीका अपनाया जाए। हुण तुसीं अपने सैटअप दे विच इत्थे किन्ने लोगों को रोज़गार दिता? जी तकरीबन 8 जने साढ़े अंडर काम करते हैं जिंद साढ़े अंडर लेडीज़ काम कर दिया ने जिहड़ी फुल तोड़न तो लैके जिन्होंने बीज लाया सी वो सारी सारी टीम है सर साड़ी, बीज सुकाना की कहना फुल जिहड़ा हैगा सुकाना है उन्हें प्रिजर्व करना केसर नूं उनके लिए अलग टीम असी बिठाई हुई है, तो तकरीबन 8-9 जने हैगे ने ते बाकी आपके परिवार वाले हैगे ने जिहड़े आके अक्सर मदद कर देंगे ने। जिहड़े वर्कर ने उन्हां नूं भी ट्रेनिंग दित्ती है? हाँ जी सर उन्होंने भी बकायदा ट्रेनिंग दित्ती गई है पहला कि बीज नूं किवें फड़ना है क्योंकि ये चीज़ पंजाब दे विच बिल्कुल नवी है, उन्होंने पहला बीज फड़ना सिखाया गया, बीज फड़ के उन्होंने किवें साफ करने क्योंकि कश्मीर दे विच जिहड़ी खेती हैगी है सॉयल दे विच मिट्टी दे विच हुंदी है, इत्थे असी विदाउट सॉयल बिना मिट्टी तो खेती करन दी कोशिश की जिंदे च असी कामयाबी हासिल की है,
तो उन्होंने पहला समझाया गया कि जो न्यूट्रिशनल वैल्यू मिट्टी ने देनी है वो आप हवा किमें दईए मोनीटर जो तुम आप गल की कि किमें मोनीटर करना उन्हें साड़ी वर्कर से साड़ी हेल्प करते हैं उन्होंने भी ड्यूटीज़ लगदिया ने कि इस चीज़ में चैक करना इस चीज़ में चैक करना है तो उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है बीज प्रक्योर करन तो लैके लाने तो पहला तो फुल कटन तो बाद सारा कुछ उन्होंने सिखाया गया। सो इस नौजवान जिन्होंने पंजाब दे विच खासकर लुधियाने विच केसर की खेती स्टार्ट की है तो इन्होंने दस्या कि इन्होंने कितों ट्रेनिंग ली है तो किस तरीके उन्होंने दिमाग च आया सी इन्होंने कहा कि जिहड़े विदेश जाते हैं नौजवान वो अजिही तकनीक दे नाल खेती करके अपने पंजाब दे विच ही कमाई का जरिया बना सकते हैं। रुपेश कुमार जीत वैब टीवी लुधियाना।